क्लास 7 आईएमओ के ओलंपियाड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और टाइम दिया जाता है 1 आवर का। नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं 4 और लास्ट सेक्शन अचीवर सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होते हैं और हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। आप सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को यहाँ पे पॉज करके उस सेक्शन को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम रो वाइज देख सकते हैं, पहला वाला जो फिगर है जैसा कि हम देख रहे हैं एक ट्राइंगल है एंड उस पर एक ब्लैक पॉइंट दिया हुआ है, उसको सेकेंड वाले फिगर में 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। देन थर्ड फिगर भी में भी उस ट्राइंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है एंड जो ये एरो है उसको भी साथ ही साथ 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो इस वाली रो में ये 45 डिग्री वाला रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। देन सेकेंड वाला जो रो है उसमें भी यही चीज़ फॉलो हो रही है, आप इसको जब और करेंगे तो आपको ये दिखेगा। एंड थर्ड रो में भी यही चीज़ फॉलो की जा रही है। तो सेकेंड रो में जो मिसिंग वाला प्लेस है वो हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाली फिगर है वो जब ब्लैक वाला डॉट नीचे है तो जब वो 45 डिग्री एंगल से रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो थोड़ा सा मूव करेगा आगे की साइड में, तो वो तो हमारी फिगर जो होगी तो वो इस तरीके की कुछ बनेगी। हमने यहाँ में ब्लू कलर में ये ड्रॉ किया है और इस तरीके की फिगर हमें ऑप्शन सी में दिख रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 2, इफ एडिशन मीन्स डिविजन, सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिविजन मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन 320 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 85 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है क्या कि प्लस मीन्स डिविजन, तो इसी तरीके से हम वो रूल फॉलो कर इस सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जो साइन दी गई है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हम उसे चेंज कर लेंगे। तो हमारा नया सम क्या हो जाएगा, 320 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 85। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, बॉड मास रूल। तो यहाँ तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो 225 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा, 15। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है तो सेकेंडली हम बॉड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 85 दैट इज 1275। अब क्योंकि सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है तो बॉर्ड मास के मुताबिक हम पहले एडिशन कर लेते हैं। वो 320 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 335 माइनस 1275 क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 940 जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केमिस्ट्री इज रिटन एज दिस, हाउ इज बीनस्टॉक रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो बीनस्टॉक का उस लैंग्वेज में वर्ड फाइंड करने के लिए पहले तो हमें केमिस्ट्री का जो रूल इन्होंने बनाया है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो सी एच ई एम के ऑपोजिट में क्या है, एन एफ आई डी। सो सी के बाद आता है डी जो इन्होंने लास्ट में लिखा है, देन एच के बाद आता है आई जो कि जस्ट सेकेंड लास्ट है, देन ई के बाद आता है एफ, देन एम के बाद आता है एन। एंड देन ये लास्ट वाले सेक्शन की हम बात करें तो एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, देन आर के बाद आता है एस एंड वाई के बाद आता है जेड। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, क्रॉस कनेक्शन बन रहा है, देन सेकेंड पार्ट एज इट इज एंड लास्ट पार्ट क्या है, जस्ट उसके आगे वाला जो लेटर है उसको एज इट इज उसके नीचे उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो सेम रूल फॉलो करके अब हम इस बीनस्टॉक वाले लेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सो जो बीच वाला लेटर है, मिडल लेटर ऑफ दिस वर्ड बीनस्टॉक एस है, सो एस एज इट इज हो जाएगा। तो जो हम सी एच ई एम में रूल फॉलो कर रहे थे वो हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे बी के बाद सी आ गया तो उसे लास्ट में लिख दिया, देन ई के बाद एफ, ए के बाद बी एंड एन के बाद जो ओ आता है वो फर्स्ट लेटर बन गया। तो ये जो नया वर्ड बना वो क्या था, ओ बी एफ सी एंड देन एस। नाउ टी ओ सी के को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा क्या, टी यू देन ओ पी सी डी एन के एल। तो हमारा नया वर्ड क्या है, ओ बी एफ सी एस यू पी डी एल जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, सॉल्व फॉर एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हो जाएगा x बाई 5 माइनस 8 बाई 5 प्लस
सो 1/5 ब्रैकेट x माइनस 8 क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा x माइनस 8/5 प्लस 4 प्लस x बाई 4 को एज इट इज ही हम लिख देंगे एंड देन प्लस x माइनस 1/7 को भी एज इट इज रहने देंगे. दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x बाई 5. सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x माइनस 1/7 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो जब उसे हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वहां पे इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी. ये एक्सप्रेशन आ गया x माइनस 5/8 प्लस 4 प्लस x बाई 4 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x बाई 5 माइनस x माइनस 1/7. LHS में हम क्या करेंगे, 5 और 4 का LCM लेंगे तो हो जाएगा LCM 20. देन राइट RHS में हम क्या करेंगे, 7 और 5 का LCM लेंगे तो 7 इंटू 5 हो जाएगा LCM 35. तो ये हो गई LCM लेने के बाद जो एक्सप्रेशन बनी वो हो गई 4 इंटू x माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस x बाई 20 विच इज इक्वल टू. तो यहाँ पे 7 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 245 माइनस 7 इंटू 23 माइनस x माइनस 5 x माइनस 1 बाई 35. आगे सॉल्व करने पे LHS हो जाएगा 4x माइनस 32 प्लस 20 प्लस 5x बाई 20 एंड RHS हो जाएगा 245 माइनस 161 प्लस 7x माइनस 5x प्लस 5 बाई 35. तो LHS में 4x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 9x एंड माइनस 32 प्लस 20 हो जाएगा 12. तो 9x माइनस 12 बाई 20 हो जाएगा LHS में. और RHS में क्या हो जाएगा, 245 माइनस 161 प्लस 5 हो जाएगा 89 एंड 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा, 2x. तो ये नई एक्सप्रेशन क्या बनेगी RHS में, 2x प्लस 89 बाई 35. अब यहाँ पे ये हो गया 5 4s are 20 एंड 5 7s are 35. अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 9x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 2x प्लस 89. सो 7 9s are 63 एंड 7 12s are 84. तो ये हो गया 63x माइनस 84 एंड RHS में हो गया 4 2s are 8x प्लस 89 इंटू 4 हो गया 356. तो ये हो गया 8x प्लस 356. तो ये हो गया 63x और 8x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 8x विच इज इक्वल टू 356 और माइनस 84 को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस. तो 63x माइनस 8x हो गया 55x एंड 356 प्लस 84 हो गया 440. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 445 बाई 55. सो 11 5s आर 55 एंड 11 40s आर 440. देन अगेन 40 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 8. सो द वैल्यू ऑफ x इज 8. सो ऑप्शन बी 8 इज द करेक्ट ऑप्शन. Question 5, if 55% of 1000 divided by 60% of 2000 is equal to k is to 2k plus 2, then find the sum of digits of k. तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 55% ऑफ 1000 को हम लिख देंगे 55 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, देन डिवाइड बाई 60% ऑफ 2000 को हम लिख देंगे 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2000. और इधर रेशियो जो दिया हुआ है k इज टू 2k प्लस 2 को, तो इसको हम लिख देंगे फ्रैक्शन में एज k बाई 2k प्लस 2. अब यहाँ ऊपर नीचे में ये दो जीरो कॉमन है तो ये हमने कर दिया कट. सो नई एक्सप्रेशन बन गई 550 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20 क्या हो जाएगा 1200 इक्वल टू k बाई 2k प्लस 2. नेक्स्ट स्टेप पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 55 इंटू 2k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू k इंटू 120. सो ये हो जाएगा 110k प्लस 110 विच इज इक्वल टू 120k. सो ये हो गया 120k माइनस 110k हो गया 10k दैट इज इक्वल टू 110. तो k की वैल्यू आ गई 11. बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k, तो 1 और 1 ये दो डिजिट है जो कि k की वैल्यू आई है. तो जब आप इसका सम करोगे यानी कि एडिशन करोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर PQ, RS एंड UT आर पैरेलल लाइंस. इफ C इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड A इज इक्वल टू 2/5 C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस D बाई 2. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट वैल्यू की सेम होती है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू A प्लस B. क्यों? क्योंकि A और B का जो एंगल बन रहा है वो C के इक्वल होगा. अब हमें क्या मिल जाएगा, एंगल B का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कैसे हम फाइंड करते हैं, C की वैल्यू 75 डिग्री दी गई है एंड
ए की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 30 डिग्री, सो 75 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस बी, जो कि हो जाएगा 75 माइनस 30 क्या हो जाता है 45, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। एज पर द गिवन डाटा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सो इसका मतलब क्या हो गया कि B और D की जो सम वैल्यू हो जाएगी वो मतलब B प्लस D क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंड व्हेन टू एंगल्स दैट अकर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री, और इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B प्लस D बाय 2, तो उसके लिए पहले हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी होगी, D की वैल्यू ढूंढनी होगी। सो B को हम रिप्लेस कर देंगे 45 डिग्री से प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। नाउ ये एक्सप्रेशन बी प्लस डी बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 135 बाई 2, सो 135 बाई 2 क्या हो जाएगा 67.5, सो 45 प्लस 67.5 हो जाएगा 112.5 डिग्री, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 7, गरिमा एंड मोहित डिपॉजिटेड रुपीज 3000 एंड रुपीज 4000 इन अ कंपनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड 2.5 इयर्स रिस्पेक्टिवली, द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम विल बी, तो यहां पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100, तो पी हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है रुपीज 3000 एंड रुपीज 4000, और इंटरेस्ट लिया गया है 10% एंड टर्म पीरियड टर्म है हो गया हाफ ईयर, पहले तो हम गरिमा का फाइंड कर लेंगे, गरिमा का हो गया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स रुपीज 900। अब 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये वाली हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, सो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 एंड इंटरेस्ट मिलाकर हो गया पी प्लस आई का मतलब हो गया 3000 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 3900 रुपीस। तो हमें गरिमा का अमाउंट मिल गया है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना होगा मोहित का अमाउंट फाइंड। अगेन फॉर्मूला लग जाएगी I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, जो कि हो जाएगा यहाँ पे P क्या हो गया 4000 रुपीस, परसेंटेज हो गया यानी इंटरेस्ट हो गया 10, और टर्म पीरियड कितना हो गया 2.5 ईयर्स, सो इस 2.5 को हम कर लेंगे 2 2s are 4 4 plus 1 is 5, सो ये हो गया 5 by 2, सो ये सब हमारा हो गया 2 5s are 10 और ये 0 0 कट हो गया, सो ये बच गया कितना 5 × 40 × 5 हो गया रुपीज़ 1000, सो इसका इंटरेस्ट मोहित का हो रहा है 1000। अब अमाउंट क्या हो जाएगी इसकी, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 4000 एंड इंटरेस्ट हो गया 1000, सो 4000 प्लस 1000 कितना हो जाता है टोटल 5000 रुपीस। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम, सो डिफरेंस फाइंड करने का मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा किसकी अमाउंट का, गरिमा और मोहित के अमाउंट का, सो मोहित का अमाउंट हो गया 5000 रुपीस एंड गरिमा का अमाउंट हो गया 3900, सो 5000 रुपीस माइनस 3900 रुपीस इज इक्वल टू 1100 रुपीस, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी रुपीस 1100। क्वेश्चन 8, एट शिमला द टेम्परेचर वाज -7°C ऑन ट्यूसडे, इट देन डिप्ड बाय 3°C ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे इट रोज बाय 6°C, what was the temperature of Shimla on Wednesday and Thursday respectively? तो ट्यूजडे का हमें टेम्परेचर दिया गया है कि ट्यूजडे को टेम्परेचर था -7°C, सो माइनस में जब टेम्परेचर होता है तो वो जैसे जैसे घटता है यानी -7, -8, -9, तो जैसे जैसे घट रहा है तो उसका मतलब है कि ठंडी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सो ये वेडनेसडे का यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है क्या कि ये डिप बाई 3°C, सो इसका मतलब है कि वो -7 से घट के और ज़्यादा उसमें ठंड हो गई, तो वो कितना हो गया 3°C, सो -7 -3°C दैट इज इक्वल टू 10°C, सो और ज़्यादा ठंड बढ़ गई। देन थर्सडे का दिया हुआ है कि थर्सडे को इट रोज बाय 6°C, सो रोज का यहाँ पे मतलब होता है कि वो और ज्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ गया यानी कि वो ऊपर की तरफ गया।
टेम्परेचर जब ऊपर की तरफ गया इसका मतलब है कि ठंड कम हो गई, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हो गया -10°C एंड थर्सडे का टेम्परेचर हो गया -4°C रिस्पेक्टिवली। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, द गिवन फिगर शोज द रेक्टेंगल ए बी सी डी नॉट ड्रॉन टू स्केल, आर इज ट्वाइस द साइज ऑफ पी एन, 1/2 द साइज ऑफ एस, क्यू इज ट्वाइस द साइज ऑफ पी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल फिगर इज द सम ऑफ क्यू एंड एस। तो ये वाला जो सम है हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम पहले पी जो स्क्वायर है वहाँ से शुरू करें उसका एरिया फाइंड करके देन सबका हम एरिया कैलकुलेट करते चलें, या तो फिर एक सिंपलर मेथड छोटी मेथड है जो कि हम यहाँ पे बताते हैं आपको। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेंगे कि जस्ट साइज ऑफ पी जो है वो ए हम अज्यूम कर लेते हैं, सो पी इज इक्वल टू ए। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आर इज थ्राइस द साइज ऑफ पी, सो थ्राइस द साइज ऑफ पी का मतलब है कि पी की साइज हमने अज्यूम की है ए, सो आर इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। एंड सेकेंड हिंट जो हमें दी गई है वो क्या है कि आर इज हाफ द साइज ऑफ एस, सो आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एस हो जाएगा, बट आर की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 3a, सो हम उस वैल्यू के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस, दैट बिकम्स एस इज इक्वल टू 6a। देन और क्या दिया हुआ है कि q इज ट्वाइस द साइज ऑफ p, ठीक है, तो q क्या हो जाएगा 2p, और p की साइज क्या है a, सो q इज इक्वल टू 2a। अब हमारे पास p की भी वैल्यू है, q की है, r की है और s की है, सो इस पूरे फिगर में क्या हो जाएगा एरिया इसका p प्लस q प्लस r प्लस s। अब इनमें हम ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 6 से, जो कि हो जाएगा 12a। सो इस पूरे फिगर की जो साइज हो गई वो हो गई 12a। पर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल फिगर इज द सम ऑफ q एंड s, सो q एंड s का हम सम फाइंड कर लेते हैं। q प्लस s को यहाँ पे हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, सो q की वैल्यू हो गई 2a एंड s की हो गई 6a, तो q प्लस s क्या हो जाएगा 8a। अब a के लास्ट स्टेप करते हैं जिससे कि हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे कैसे, सो सम ऑफ q एंड s बाई द साइज ऑफ होल फिगर, सो सम ऑफ q एंड s हमको क्या मिल गया 8a, एंड टोटल फिगर की साइज क्या है 12a। तो ये हो गया 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 2/3, जो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 10, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर सच दैट द रेशियो ए इज टू बी इज इक्वल टू द रेशियो सी इज टू डी, देन वी कैन से ए बी सी एंड डी आर इन द रेशियो एंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि a is to b is equal to the ratio of c is to d, so क्या जो यहाँ पे ये लिखा गया है कि a is to b is to c is to d, क्या इस तरीके से इसको लिखा जाता है, तो नहीं, ये चीज़ गलत है क्योंकि इसको इस तरीके से equal to साइन करके नहीं लिखते हैं। इसको दिया जाता है ये जो दो कॉलन की साइन होती है, या तो जिसको कह लें आप प्रोपोर्शन, उस तरीके से लिखा जाता है जो कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको लिख के दिखाया है, सो स्टेटमेंट 1 तो हो गया गलत। Statement 2, if a is to b is equal to 5 is to 9 and b is to c is equal to 4 is to 7, then a is to b is to c is equal to 20 is to 36 is to 63. तो पहले वाले रेशियो में b की वैल्यू क्या दी गई है 9 एंड दूसरे वाले रेशियो में b की वैल्यू दी गई है 4. तो जब हम इन दोनों का LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36. तो अब हमें LCM मिल गया है, तो फर्स्ट वाले रेशियो को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से एंड सेकेंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 से। तो a is to b क्या हो जाएगा 20 is to 36 हो जाएगा एंड b is to c क्या हो जाएगा 36 to 63 हो जाएगा। दोनों ही रेशियो में हमें b की जो वैल्यू मिल रही है वो कॉमन है जो कि है 36। तो ये जो दिया गया है कि a is to b is to c is equal to 20 is to 36 is to 63, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो रहा है, हेंस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। So correct option is option C, that is statement 1 is false but statement 2 is true.